हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद प्रीतम। सो आप लोग का स्वागत है टू माय वीडियो कंटिन्यूशन टू आर बिगिनर्स इन द गाइड टू सीएसएस। ये पार्ट 27 ऑफ आर वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में। सो बिफोर कंटिन्यू टू आर वीडियो, फर्स्ट ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को अच्छा लगे, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अलोंग टू योर फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी का नाम से एक नोट्स क्रिएट कर रखा है, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। द डाउनलोड लिंक फॉर दिस नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन माई डिस्क्रिप्शन। ओके, सो डू डाउनलोड देम एंड हैव अ लुक। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज। सो द डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाई इफ और हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्लेड। सो द एलिमेंट क्या हो सकता है? द एलिमेंट माइट बी हेडर टैग, पैराग्राफ टैग, एलआई टैग, स्पैन टैग, डिवीजन टैग एंड मेनी अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स। सो एवरी एचटीएमएल एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हर एचटीएमएल एलिमेंट का एक डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू रहता है, एडर बी इट एन इनलाइन और एडर बी इट एन ब्लॉक। सो द डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू फॉर मोस्ट एलिमेंट इज ब्लॉक और इनलाइन। सो एज मेंशन एवरी एचटीएमएल एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू। हम लोग को जान चुके हैं कि एवरी एचटीएमएल एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू। हाउएवर वी कैन ओवरराइड दिस। सो फॉर एग्जांपल के लिए हेडर टैग को हम लोग उसका डिस्प्ले हमेशा ब्लॉक रहता है, उसको हम लोग इनलाइन भी कर सकते हैं। सो ओके, वाइस वर्सा। नाउ चेंजिंग एन इनलाइन एलिमेंट टू ब्लॉक एलिमेंट और वाइस वर्सा कैन बी यूजफुल फॉर मेकिंग द पेज लुक ए स्पेसिफिक वे एंड स्टिल फॉलो द वेब स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है सम ऑफ द एलिमेंट्स। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन ए न्यू लाइन, टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, दैट इज इट स्ट्रेचेस आउट टू द लेफ्ट एंड राइट एज फार एज कैन। तो इसका कहने का मतलब है कि ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है? ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली एंटायर स्क्रीन को कवर करता है, दैट इज ऑन आवर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, नॉट ऑन आवर टॉप एंड बॉटम। इट ओनली टेक्स साइज और वी कैन से आवर पोजीशन ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड। लेट मी शो यू फ्रॉम एन एग्जांपल ऑफ डिव। ओके, प्रैक्टिकली फर्स्ट यहाँ थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए आप। डिव होगा, हेडर्स टैग होगा, पैराग्राफ टैग, फॉर्म, हेडर, फुटर एंड सेक्शन। सो इसका हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग प्रैक्टिकली अपना एडिटर में देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक HTML स्ट्रक्चर आगे से क्रिएट करके रखा है, इसका नाम होगा CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी डॉट HTML का नाम से। मैं आप लोग को ये शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिव देता हूँ, डिव में एक क्लास देता हूँ। ओके, क्लास देता हूँ वन, जिसमें रहेगा दिस इज ब्लॉक लेवल ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट एग्जाम्पल। ओके, सो इसको मैं स्टाइल करता हूँ यूजिंग इंटरनल CSS। आप अपना एक्सटर्नल CSS या फिर इनलाइन CSS आप लोग स्टाइल कर सकते हैं। हियर आई यूज इंटरनल CSS। जो इसमें फर्स्ट क्या करूँगा, डिव को लूँगा और कॉल करूँगा अपना क्लास वन को। तो इसमें मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का आइडिया के लिए मैं इधर पे बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल, लेट्स गिव इट सॉलिड एंड लेट्स गिव इट रेड। इसको सेव किया। ओके, सो एज वी नो दैट डिव इज अ ब्लॉक एलिमेंट, इट विल कवर द एंटायर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। तो इसको हम लोग देखते हैं अब ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको मैं कॉपी पास्ट किया, अपना न्यू टैब में पेस्ट किया। यू कैन सी आप लोग बॉर्डर का थ्रू आप लोग समझ आ चुका होगा कि ये एंटायर बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड को कवर अप कर रहा है। ओके, लेट मी जूम अ बिट मोर। ओके, यू कैन सी आप लोग देख पा रहे होंगे ब्लॉक एलिमेंट का क्या रह रहा है। एग्जाम्पल में ये बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट साइड में ये अपना डिस्प्ले ब्लॉक ले रहा है। ओके, इट टेक अप ऑल द स्पेस। सो यहाँ पे अगर हम लोग, ओके लेट मी मूव ऑन टू आवर एडिटर, यहाँ पे अगर हम लोग क्या देते हैं, लेट्स गिव अ डिस्प्ले टू बी इनलाइन। सो अगर हम लोग इसको इनलाइन देते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको मतलब कि हम ओवरराइट करते हैं, एक्चुअली बॉर्डर सॉरी एक्चुअली डिप इज अ ब्लॉक एलिमेंट वेयर I override this to an inline element. So इसको मैं first again okay copy part करता हूँ। okay no need to copy part, इसको बस मैं refresh करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे you can see it changes. So inline का मतलब है कि it takes only some particular area.
So let's see on our notes again. Yeah, so inline element. An inline element does not start on a new line and only takes up as much width as necessary. So इसका कहने का मतलब क्या है, as width as much necessary. जैसे कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल में देख पाएंगे, यहाँ पे आप देखिए दिस इज ब्लॉक एलिमेंट एग्जाम्पल लिखा मैंने, पर यहाँ पे एग्जाम्पल ई का बाद ये अपना बॉर्डर क्लोज होता है बिकॉज आई गिव हियर एन एग्जाम्पल ऑफ इन लाइन. अगर मैं इसको ब्लॉक देता हूँ, बाई डिफॉल्ट इट इज ब्लॉक बट आई कैन स्टिल गिव इट ब्लॉक राइट. सो इसको मैं रिलोड करता हूँ, यू कैन सी ब्लॉक. सो मैं इन लाइन एग्जाम्पल के लिए आप लोग को यहाँ पे लिख देता हूँ, गिव देता हूँ, इसको मैं दूसरा क्लास देता हूँ, इसको टू देता हूँ. ओके दिस इज ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल डिप नहीं देता हूँ, लेट्स नॉट गिव अ डिप, लेट्स गिव अ स्पैन फॉर इट. ओके यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑफ इन लाइन एलिमेंट में स्पैन एंकर टैग एंड इमेज टैग है राइट. सो इसमें हम स्पैन टैग का यूज करें, तो इसमें मैं स्पैन टैग यूज करूँगा जिसमें मैं इसमें ऐड करूँगा अपना और इन लाइन टैग. ओके दिस इज एन इन लाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट एग्जाम्पल को सेव करता हूँ. नाउ लेट्स कॉल दिस स्पैन टैग. ओके इसको मैं एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर देने के बाद इसको भी 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देता हूँ. इसका डिफॉल्ट वैल्यू लेट्स चेक इट फर्स्ट, यहाँ पे मैं एक ब्रेक लाइन देता हूँ, इसको सेव किया, इसको मैं रिलोड करूँगा इस पेज में आप देख पा रहे. सो स्पैन का हमेशा अपना डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, इनलाइन रहता है. सो फॉर दिस ऑल्सो वी कैन ओवर राइट इट अगर हम लोग को पसंद है तो. यू कैन सी लेट मी राइट है हाफ एट डिस्प्ले टू बी हाफ ब्लॉक. तो इसको मैं ब्लॉक करता हूँ, अगर ब्लॉक करने से क्या होगा लेट सी. यू कैन सी इट कवर अप आवर बोर्ड राइट एंड लेफ्ट साइड नॉट आवर टॉप एंड बॉटम. ओके सो इसको मैं अभी के लिए डिस्प्ले को डिफॉल्ट रहता हूँ, दैट इज आवर इनलाइन फॉर आवर स्पैन राइट. सो अभी हम लोग अपना नोट्स की तरफ बढ़ते हैं फिर से. सो वी हैव लर्न आवर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड वी हैव लर्न आवर इनलाइन एलिमेंट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर डिस्प्ले प्रॉपर्टी दैट इज नन. सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन क्या है, सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन इज कॉमनली यूज विथ जावास्क्रिप्ट. तो यहाँ हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं टू हाइड. मैं हम लोगों का जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगा इन माय फ्यूचर वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो इट इज़ एक्चुअली यूज टू यूज इन जावास्क्रिप्ट टू हाइड एंड शो एलिमेंट्स विदाउट डिलीटिंग एंड रिक्रिएटिंग देम. सो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डिस्प्ले करते हैं इन विच वी विल यूज यूज डिस्प्ले नन. ओके इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट आई नॉट यूज जावास्क्रिप्ट सो दैट इट सिंपल तरीके से दिखाएंगे आपको. सो फर्स्ट देखते हैं डिस्प्ले नन कैसा काम करता है. लेट्स मूव ऑन टू आवर एडिटर. तो यहाँ पे मैं ये सेम एचटीएमएल स्ट्रक्चर में ऐड करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टैग देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या दूंगा, एक H1 टैग दूंगा. सो ये एक नॉर्मल रहेगा, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट. ओके दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अनदर H1 टैग हियर, अनदर H1 टैग. तो इसमें एक H1 टैग में एक क्लास देता हूँ. ओके अनदर क्लास देता हूँ, इसको मैं देता हूँ 1 देता हूँ. दिस टेक्स्ट विल डिस्प्ले नन. ओके इसको डिस्प्ले नन करता हूँ. सो मैं कॉल करता हूँ अपना H1 को, कौन सा क्लास को, दैट इज आवर 1. सो इसको मैं अपना डिस्प्ले क्या कहता हूँ, नन. इसको सेव किया. नाउ लेट्स रिलोड इट ऑन आवर वेब पेज. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट आप लोग को जैसे कि दिखाई दे रहा होगा, बट वन थिंग इज मिसिंग. यू कैन सी लेट मी स्प्लिट द स्क्रीन. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे H1 जो हम लोग क्लास 1 दिया था, दिस टेक्स्ट विल बी डिस्प्ले नन. तो आप लोग को कुछ समझ आ चुका होगा कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ रहा होगा. ओके यहाँ पे मैं और एक टेक्स्ट देता हूँ, सो आप लोग को थोड़ा समझने के H1 देता हूँ, इसको लोरम 5 देता हूँ. सेव किया, इधर मैं रिलोड किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे. सो यू कैन सी दिस टेक्स्ट विल डिस्प्ले नन, वो विजिबल नहीं हो रहा है एंड इट डज नॉट टेक एनी स्पेस. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इट डज नॉट टेक एनी स्पेस. तो यहाँ पे जैसे कि
उनको स्पेस नहीं दे रहा है। सो द डिफरेंस बिटवीन दैट मैं आप लोग को सिखाऊंगा विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन के साथ। ओके सो विजिबिलिटी हिडन हाइड्स द एलिमेंट बट इट स्टिल टेक्स अप स्पेस ऑन दैट पेज। सो ये क्या करता है, एक पेज में अपना जगह रखता है, स्पेस रखता है। दिस मीन दैट द एलिमेंट विल स्टिल अफेक्ट द लेआउट ऑफ द पेज इवन दो इट इज नॉट विजिबल। सो लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली। लेट्स मूव ऑन टू आर एडिटर अगेन। लेट मी इंक्रीज दिस वन, मैक्सिमाइज दिस। नाउ आई एम गोइंग टू एड एन एचआर टैग। यहाँ पे मैं एचआर टैग देता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट को, और इसको भी कॉपी करता हूँ, जिसमें क्लास इसका टू रहेगा और ये रहेगा अपना अपना विजिबिलिटी। और दिस टेक्स्ट विल गिव विजिबिलिटी नन देगा, ओके हिडन देगा, ओके दैट विल बी आवर हिडन। सो इसको यहाँ पे भी एक H1 देता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना स्टाइलिंग पे मैं कॉल करूँगा H1 को, दैट इज ऑफ क्लास 2। इसको मैं क्या देता हूँ अपना विजिबिलिटी दैट विल बी हिडन। इसको सेव किया। नाउ लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली। यहाँ पे सॉरी वेब पेज में जाके यू कैन सी यहाँ पे अपना स्पेस क्रिएट हो चुका है, राइट। यू कैन सी, लेट मी स्प्लिट दिस स्क्रीन सो दैट आपको थोड़ा और समझ आए। यू कैन सी इज दैट दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, यहाँ पे आया दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, राइट। नाउ दिस टेक्स्ट विल बी विजिबिलिटी हिडन। सो यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट लिखा था H1 का, जो क्लास 2 था, हमने उसको क्या दिया, हमने उसको हिडन दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हिडन रखा गया, ओके। देन लोरम इप्सम डॉलर सिट वाला आया है। सो बेसिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट का साइड यहाँ पे हम लोग अपना वो डिस्प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना एनिमेशन कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, द मेन डिफरेंट इज दैट यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इज दैट एनिमेशन, हम लोग यहाँ पे एनिमेशन डाल सकते हैं। ओके रिमेंबर दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन इज दैट इन डिस्प्ले नन वी कैन एड जावास्क्रिप्ट एंड इन विजिबिलिटी हिडन वी कैन यूज animation, remember that. So now let's move on to our notes again. Yes, so we have already completed, so we have completed our display properties. So आप लोग को समझ आ चुका होगा कि हम लोग display properties कैसे करते हैं। मैं आप लोग को ये notes और अपना codes share कर दूंगा, so don't worry about it. So thank you for watching and I will see you on my next video. Have a great day and bye bye.